सर मेरा नाम समीर है, आई एम फ्रॉम बैंगलोर, प्रोफेशनल रेजोल्यूशन एक्सपर्ट. मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर कि जो इंसान शिर्क पे मर गया, मुसलमान था बट शिर्क पे मर गया, तो उसके हक में हम दुआ कर सकते क्या? फर्स्ट क्वेश्चन. एंड दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है सर कि रमज़ान महीने में इफेक्टिवली और मतलब बड़ी तादाद में खास करके औरतें जो कुरान बख्शते हैं, आई नो इट्स रॉन्ग एक्चुअली बट पीपल डजंट अंडरस्टैंड, तो इसके बारे में वजाहत करना चाहता हूँ कि सवाब जाता है उनका इसके बारे में. पहला आपका सवाल क्या था? सर मेरा सवाल था कि जो लोग कोई कोई बंदा मुसलमान था बट शिर्क पे मर गया, तावीज. जी, पहला सवाल यह कि एक शख्स जो मुसलमान था और वो शिर्क पर मर जाए तो क्या उसके लिए दुआ कर सकते हैं? ठीक, मुसलमान था वो लेकिन शिर्क करता था, मुख्तलिफ अल्लाह से दुआएं मांगना या जो भी करता था. तो पहली चीज, अगर ऐसा मुसलमान जिसके बारे में आपको यकीन हो कि वो शिर्क पर मरा, यकीन हो, तो उसके लिए फिर दुआए मगफरत नहीं हो सकती. इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि एक मोमिन मुसलमान के जो मोमिन को जेबा नहीं है कि जो मुशरिकीन के लिए दुआ करे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की नमाज जो है अब्दुल्ला जो है बिन सुलेम की जो है मुनाफिक का सरदार था पढ़ाई, अल्लाह ने कहा एक मोमिन को जायज़ नहीं. दूसरा जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो वाक़ा जो सही बुखारी में आता है उसमें है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ जो हर नबी को दी जाती है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो दुआ इस्तेमाल नहीं की. अभी क़यामत के दिन आप सब फरमाते हो दुआ इस्तेमाल करेंगे और कहेंगे अल्लाह तू दुनिया में हर नबी की एक दुआ सुनता है, मेरी एक दुआ दुनिया में बाकी थी. तो अब सुन ले कि मेरे वालिद को जो है जहन्नुम में न डाल, मुझे रुस्वा मत कर लोगों के सामने. तो अल्लाह कहेंगे इब्राहिम क्या तुझे नहीं मालूम मैंने जन्नत मुशरिकीन पर हराम कर रखी है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रुस्वा ना हो बोलकर अल्लाह उनके वालिद की शक्ल बदल देंगे और उनको बिच्छू बना देगा ताकि लोगों को महसूस ना हो उनके वालिद गए, इतना तस्कीन देंगे लेकिन नजात नहीं है, उठाकर उनके वालिद जहन्नुम में बिच्छू की शक्ल में डाल दी जाएंगे. तो शिर्क पर अगर मर गया हो यकीनी आपको मालूम है तो अलग बात है, और अगर एक मुसलमान था आपको पता है बूढ़ा रहा जिंदगी में शिर्क करता था मरते वक्त लेकिन आपको हालात नहीं पता है, हो सकता है एक दिन पहले तौबा की होंगी, दो दिन पहले की होंगी, तो इस मामले में मगफरत की दुआ करते रहिए. लेकिन जिस पर यकीन है 100% कि ये शिर्क पर मरा और मरते वक्त भी अल्लाह को छोड़कर दूसरों को या बोलकर चिल्लाता रहा, तो बहरहाल फिर इस मामले में इस आदमी की आप वो नहीं करेंगे. दूसरा सवाल ये था कि जो रमज़ान में औरतें कुरान पढ़कर बख्शती है तो क्या ये कुरान बख्शा जाता है? तो याद रखिए कुरान एक ऐसी इबादत है जिसको इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़ाती तौर से करना होगा, ये बख्शा नहीं जाता है, ईसाल और ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता. हालाँकि कुछ बदनी इबादतें ट्रांसफरेबल है लेकिन ये बदनी इबादत ट्रांसफर, जैसा मेरी नमाज आप पढ़ सकते मरने के बाद या मेरी औलाद पढ़ सकती नहीं, तो कुरान भी उसमें से. हाँ, जो ट्रांसफरेबल इबादतें वो क्या है, आप हज कर सकते हैं उनका, उमरा कर सकते हैं या फिर उनके नज़र के रोज़े बच्चे साल के तो रख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुरान पढ़कर भेजना या नमाज पढ़कर भेजना या वो सब चीज़ें बहरहाल इस साल नहीं होती.